बनाया होगा। तब सब परेशान नहीं लग रहे थे, सब खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन उससे पहले अबीरा और अरमान को लेकर सब परेशान लग रहे थे, क्योंकि रोहित और रूही ने भी अरमान और अबीरा का इतना सपोर्ट किया, जिसके बाद हादिसा को कहना पड़ा कि आप मेरे लाडले ज़रूर हो, साथ ही साथ रूही है वो इस घर की नई बहू है, तो मैं उन्हें कुछ डांटना फटकारना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनका सम्मान करना जानती हूँ और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस घर में नयों की नई चलती, जो नए बच्चे हैं उनका हाँ में हाँ भरना ही बेस्ट रहता है। जब तक हम बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं तब तक उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे बेस्ट यही होगा कि आप मेरी जो आज्ञा है उसकी पालना ज़रूर कीजिएगा। तुम जो अबीरा का इतना सपोर्ट कर रहे हो तो अबीरा यहाँ नहीं रहनी चाहिए। इसी के बाद में वो जवाईसा को बुलाते हैं और जवाईसा 20 लाख रुपए का चेक लेके आते हैं, लेकिन दादी सा ये कह के परेशान हो जाती है कि अगर आज ये 20 लाख रुपए का चेक लेकर नहीं चली गई, कल परसों वापस आ गई तो इसके सारे पैसे दे दे के हम तो कंगाल हो जाएंगे। लेकिन जवाई सा कहते हैं कि अगर सारे वकील सब कुछ हमारा हो तो ये मामूली सी लड़की क्यों नहीं जाने वाली है, तो क्या ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि उनको ये सबसे बड़ा डर लग रहा है कि अरमान की उसके साथ शादी हो चुकी।